स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माय सेल्फ विचा मिश्रा। आज जो है हम अपने जो सिविक्स का चैप्टर टू हम पढ़ रहे थे फेडरलिज्म, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले जो वीडियो की अगर बात की जाए तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमारा लास्ट टॉपिक था जो है हमने पढ़ा कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री या इंडिया एज ए फेडरल कंट्री के रूप में हमने पढ़ा। हमने उसमें देखा कि किस प्रकार से ऐसे कौन से फीचर्स थे जिसको एडॉप्ट करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम ऐसा जानेंगे, हमें ये समझ में आया कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री की तरह बिहेव करता है या फेडरल कंट्री इंडिया को कौन सी फीचर्स जो है वो बनाता है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमारा टॉपिक है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब जो फीचर्स इंडिया ने एडॉप्ट किए थे फेडरलिज्म के, उस फीचर्स को किस प्रकार से प्रैक्टिस कर, किस प्रकार से उसने पूर्ण रूप से उसे अपनाया है, इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। अब कहते हैं कि अगर फेडरलिज्म को पूर्ण रूप से सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले जरूरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो है प्रोवाइड किया जाए, मतलब संविधान में इसे केवल लिखना ही नहीं है बल्कि इसे संविधान में लिखित होने के कारण जो है पूर्ण रूप से इसे लागू भी करवाना चाहिए। साथ ही साथ बट दीज आर नॉट सफिशियंट, the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. अब क्या कहा गया कि लेकिन इतना ही जो है सफिशियंट नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि संविधान में हमने केवल लिख दिया कि हम फेडरलिज्म की विचारधारा को के सहमत है या हम ये चीज करना चाहते हैं तो बस ये क्लियर हो जाएगी, इससे नहीं सफिशियंट होगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा, रियल सक्सेस कब होगी हमारी फेडरलिज्म की, जब हमारे भारत का जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसमें हम पूर्ण रूप से फेडरलिज्म की विचारधारा को सापेक्ष रूप से देखने लगेंगे, मतलब पूर्ण रूप से वो मतलब लागू हो जाएगा हर लोगों के ऊपर, तब वो फेडरलिज्म की रियल सक्सेस मानी जाएगी। क्या कहा गया कि टू फॉलो द रियल स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, अगर हम फेडरलिज्म के रियल स्पिरिट को फॉलो करना चाहते हैं, उसे पूर्ण रूप से जो है लागू करना चाहते हैं, उसे ऐसा लगे कि नहीं हम फेडरलिज्म को वास्तव रूप से जो है अपना चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, मतलब हमें हर प्रकार की डाइवर्सिटीज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे अंदर एक डिजायर होना चाहिए कि हम सभी को मिलकर यूनाइटेड होके रहना है, भले ही हमारे जिस भी हम देश में है या जिस भी जगह पे वहां पे कितनी ही डाइवर्सिटीज क्यों ना हो। तो अब इस चीज को भारत ने कुछ अलग अलग बिंदुओं पर जो है हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से इस चीज को जो है इस बात को कि एक्चुअल रियल स्पिरिट जो है फेडरलिज्म की क्या बताई गई कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो और डिजायर करो, हमारे अंदर डिजायर हो चाहिए कि हम लिविंग एक साथ जो यूनाइटेड होकर रहे। तो इस विचारधारा को भारत के अलग अलग कह सकते हैं मापदंडों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो पूर्ण रूप से लागू हुआ है। जैसे इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट के रूप में, ठीक है, उसके बाद हम लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ेंगे और सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट देखते हैं। अब इसमें क्या बताया कि लिंग्विस्टिक स्टेट होता क्या है, उस पर हम जान लेते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, ऐसे स्टेट जिन्हें उनके भाषा के लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया हो। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि जहाँ जिस एरिया में आसामीज बोली जाती है वो एरिया वो स्टेट कौन सा बना दिया गया, असम बना दिया गया। जहाँ गुजराती बोल रहे थे वो गुजरात बना दिया गया, जहाँ बंगाली बोला गया वहाँ बंगाल बना दिया गया। तो इस प्रकार से जो है स्टेट्स जो है वो डिवाइडेड हुए, मतलब भाषा के आधार पे जो राज्य बने उसे लिंग्विस्टिक स्टेट कहा जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। अब इसमें क्या कहा गया कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत से जो हमारे पुराने स्टेट्स वगैरह थे उनकी बाउंड्रियां जो है वो बदली जाने लगी। अब किस उद्देश्य से, ताकि एक नए राज्य की जो है स्थापना की जा सके, मतलब पुराने जो राज्य थे अब उनकी सीमाएं जो है बदली जा रही थी ताकि नए राज्य की स्थापना की जा सके, और ये नए राज्य किस बेसिस पे बन रहे थे, भाषा के आधार पे, मतलब अब भाषा के आधार पे नए नए राज्यों का निर्माण होना प्रारंभ हो रहा था। नेक्स्ट क्या कहा गया कि सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, बट ऑन द कल्चर एंड ज्योग्राफी। अब क्या कहा गया कि कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनका निर्माण हम भाषा के आधार पर ही नहीं करते, मतलब भाषा के आधार, मतलब स्टेट्स का तो निर्माण हो रहा था, नामकरण हो रहा था उनका, अलग अलग स्टेट्स जो है वो बन रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इतने स्टेट्स नहीं थे, पहले हमारे स्टेट्स कम थे, लेकिन जब स्टेट्स हम बनाना शुरू कर रहे हैं, नए नए स्टेट्स बन रहे हैं उनके लैंग्वेज के आधार पे, तो वैसे ही केवल लैंग्वेज के आधार पे हमने नए स्टेट्स बनाए, हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ स्टेट
वहाँ के कल्चर और वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी बनाए थे। जैसे जैसे हिमाचल की बात कर लीजिए, जो हिमाचल प्रदेश है, जो हिमाचल मतलब हिम और आचल यानी कि आपके हिमालय के गोद में ये जो है वो स्थित था। अब चूंकि हिमालयी क्षेत्रों का था इसलिए उसे हिमाचल का नाम दे दिया गया, वो ज्योग्राफिकल चेंज हो गया। जैसे नागालैंड है आपका एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग थी, नागाओं का मतलब इलाका था तो वो नागालैंड बन गया, है ना, लैंड ऑफ नागास, वो नागालैंड बन गया। उत्तराखंड मतलब उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग था उसको पहाड़ी क्षेत्र, तो वहाँ का उत्तराखंड बन गया। ऐसे अलग अलग जो है ज्योग्राफिकल और कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो सब डिविजन्स भी हुए थे स्टेट्स के। ठीक है, आगे क्या बताया गया कि लीडर्स फियर्स लेड टू बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। अब क्या बताया जा रहा है कि जब जो है ये मतलब यहाँ बताया गया कि हमारा जो स्टेट है वो डिवाइडेड हो रहा था, मतलब स्टेट्स बन रहे, डिवाइड होते बन रहे थे, नए नए स्टेट्स बन रहे थे, पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हो रही थी, तो उसमें भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, ज्योग्राफिकल मतलब एकोरेंस के आधार पर जो है स्टेट्स का निर्माण हो रहा था। लेकिन जब ये शुरुआत में ये काम शुरू हुआ, मतलब इस नए नए स्टेट्स को बनने की प्रक्रिया जब शुरू हुई, तो उसमें क्या था कि जो हमारे नेता थे उनके मन में ये भय व्याप्त था कि अगर हम ऐसा करेंगे कि भाषा, आज हम भाषा के आधार पर किसी राज्य को स्वतंत्रता दे देते हैं, नए राज्य बना देते हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि फिर वो इस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाएं और खुद को एक अलग देश बनाने का ही डिमांड करने लगे। तो ये उनके मन में भय व्याप्त था, ये डर उनके मन में था कि ऐसा करने से ऐसा ना हो कि हमारे देश की जो यूनिटी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। नेक्स्ट क्या गया गया कि बट लेटर इट प्रूव्ड रॉन्ग। लेकिन जब और कुछ समय बीता धीरे धीरे, तो कुछ समय के बाद जो है उन नेताओं को ऐसा लगा कि नहीं, ये बात जो है वो गलत है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि भाषा के आधार पर या कल्चर के आधार पर अगर हम राज्यों का जो है सीमाएं नहीं बना रहे हैं, तो ऐसा करने से हमारे देश की हमारे देश वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा बल्कि हमारी यूनिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। और क्या कहा गया कि रॉन्ग, दिस एक्चुअली मेड कंट्री यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इजियर। मतलब कि हमारी इससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा बल्कि हमारी यूनिटी जो है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा जो प्रशासनिक कार्य होगा, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। अब उन भाषाओं को अगर हम वरीयता दे रहे हैं तो उनकी भाषा के आधार पर प्रशासनिक कार्यों को करने में भी आसानी रहेगी। तो ये तो हुआ हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पे जो क्या बताया गया कि किस प्रकार से भारत में जो है वो फेडरलिज्म को अपनाया जा रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलिए देखते हैं कौन सा, लैंग्वेज पॉलिसी को। तो नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। तो इसमें क्या बताया गया, देखिए कि इन इंडिया देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, मतलब भाषा को लेकर जो नई पॉलिसी, जो नई नीति बनाई उसकी बात बताई जा रही है कि हमारे इंडिया में जो है कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे इंडिया में किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। आप लोग देखते होंगे, सुनते हैं कि जैसे अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी के कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं रहा, हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, अब इसकी सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो है हिंदी भाषा जो है भले ही बोलते, मेजोरिटी भले ही है, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो है वो हिंदी भाषा में जो है कंसर्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, इसलिए जो है किसी भी हिंदी को या किसी भी भाषा को जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं दिया बनाया गया। नेक्स्ट क्या कहा गया कि हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आप कहेंगे कि अगर हिंदी जो है वो आपका नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है तो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्यों दर्जा दिया गया। भाई इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है वो हिंदी भाषा बोलती है, और ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि हमारे जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, जो कार्यालय से जुड़े जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे, वहाँ पे हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उसका जो है हम आसानी से ऑफिशियल वर्क को कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से। अब ऐसा नहीं था कि केवल ऑफिशियल भाषा के लिए आप हिंदी का ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमारे ऑफिशियल भाषा जो है हिंदी ही रखा गया। अब आप कहेंगे कि भाई दूसरे देश जहाँ पे जो दूसरे राज्य जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती वहां भी तो ये समस्या होगी, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी कुछ अलग वरीयताएं दी गई थी। वो क्या दी गई थी हम आगे बताएंगे आपको। आगे क्या बताया गया कि बिसाइड हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब
हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं, यानी कि टोटल 22 भाषाएं, 22 भाषाएं ऐसी थी जिनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में। शेड्यूल लैंग्वेज यानी कि ये ऐसी भाषा थी जिसको आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी माध्यम के लिए चुन सकते थे, मतलब जैसे आप एग्जाम्स देते हैं तो आपके पास वेरिएशन आते हैं, आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप किस मोड में जो है पेपर देना चाहते हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में या किसी अन्य भाषा। अगर आप चाहें तो गुजराती में पेपर दीजिए, आप चाहें तो हिंदी में पेपर दीजिए, आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में पेपर दीजिए, ऐसा होता है। तो उसी लिए ये 21 अदर लैंग्वेज के मोड्स जो है, मतलब इंग्लिश 21 जो है अदर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर दिया गया शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में, ताकि आप उसका इस्तेमाल अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया कि स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए मैंने जो बताया आपको कि यहाँ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया, लेकिन उसके अलावा हर स्टेट में यह समस्या ना हो, क्योंकि जहाँ पे हिंदी लोग नहीं जानते वहां पे ऑफिशियल वर्क कैसे करेंगे। तो उसके लिए यह छूट मिली थी कि हर स्टेट के पास वो अपनी खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं, ताकि उनका ऑफिशियल वर्क आसानी से हो सके। नेक्स्ट ये कहा गया कि डिबेट फॉर हिंदी वर्सेस इंग्लिश। हम देखते हैं कि अक्सर क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश को लेकर लोग जो है डिबेट चलता रहता है कि नहीं हमें हिंदी जानना ज्यादा जरूरी है, कि हमें इंग्लिश आना ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, होता है इसलिए कि हम ज्यादातर जो हमारा लोग जवान हमारे लोग हैं वो ज्यादातर हिंदी भाषा को बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो साउथ इंडियंस हैं या कोई अन्य जो भाषी लोग हैं उन लोगों को भी भाई दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई किसी एक भाषा का जानना जरूरी है। तो आमतौर पर क्या किया गया, इंग्लिश को एक कन्वीनियंट फॉर्म दे दिया गया कि एक अंग्रेजी ऐसी भाषा होगी जिसमें सभी लोग आपस में आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे सीखने में आसानी रहेगी, इसलिए जो है इंग्लिश को भी प्रेफरेंस मिलता है। अब लोग इसी के चक्कर में लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिबेट रहता है कौन सा भाषा सीखना ज्यादा सही रहेगा। तो इस प्रकार से लैंग्वेज को लेकर कुछ पॉलिसियां जो है हमारे भारत में भी बनाई गई हैं, जो फेडरलिज्म को जो है सपोर्ट कर रही थी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब हम सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से फेडरेशन जो है इसमें चेकआउट हो रहा था या प्रैक्टिस हो रही थी। तो इसमें क्या बताया देखिए कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स वर्क्स ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। मतलब पावर शेयरिंग का जो पूरा अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से काम करता है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कैसे काम कर रही है, इस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे वन पार्टी डोमिनेंस, मतलब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा वैसे समझ ले कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या था कि स्टार्टिंग में कि वन पार्टी एरा था, मतलब कि आपकी पूरा केवल पूरे कंट्री में जो है एक ही पार्टी हुआ करती थी, और वो कौन सी थी, कांग्रेस की पार्टी थी। तो हमेशा क्या होता था, केवल एक पार्टी थी तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ही सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बनाती थी। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद क्या होता है, देखने को मिलता है कि कुछ रीजनल पार्टीज भी, अब छोटी छोटी रीजनल पार्टीज भी तैयार होने लगी थी, मतलब उभरने लगी थी। तो क्या देखने को मिला कि रीजनल इलेक्शन में तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जीत जाती है, लेकिन वो क्या करती है कि रीजनल पार्टी को कोई मतलब कि ऑकरेंसी नहीं देती उनको, मतलब उनका होना या ना होना उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई मायने नहीं रखता था। तो उससे क्या होता था कि वन पार्टी डोमिनेंस जब होने लगा, मतलब जब वन पार्टी रहती थी तो उस समय क्या होता था कि वो लोग वन पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती थी वो हमेशा अंडरमाइन करती थी स्टेट पार्टियों को, मतलब स्टेट पार्टियों को हमेशा नेगलेक्ट करती थी। तो इस कार्य की वजह से क्या देखने को मिल रहा था कि हमारा जो फेडरलिज्म की विचारधारा है वो पूरी तरह से नेगलेक्ट हो रही है, वो पूरी तरह से इग्नोर हो रही है। मतलब रूलिंग पार्टी के द्वारा किए गए इस काम की वजह से क्या देखने को मिला कि जो हमारे फेडरलिज्म की विचारधारा थी वो पूरी तरह से इग्नोर हो रही है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन बाद में आगे क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है कि रीजनल पार्टीज का जो धीरे धीरे बहुत सारी रीजनल पार्टीज बन जाती है, उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि फिर जब इलेक्शन आते हैं तो आपकी क्या होती है कि वन पार्टी जो हमारी पहले से रूलिंग पार्टी थी उसको जो है पूरी तरह से वोट्स नहीं मिलते हैं, तो एक नया सिस्टम शुरू हो जाता है उसमें कोलिएशन गवर्नमेंट बनाने का। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि रीजनल पार्टी जो है अब कम इन द पावर विद कोलिएशन गवर्नमेंट, मतलब कि अब जो जैसे पार्टी इलेक्शन हुआ उसमें क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी थी वो नहीं जीत पाई पूरी तरह, मतलब उसने पूरी सीटें नहीं प्राप्त की। अब उसने जो पूरी सीटें नहीं प्राप्त की तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी कौन बनती, जैसे जो लगभग 270 के ऊपर जो सीटें हैं, लगभग 72 सीटें जो है वो जो पाल के ऊपर जो पाते हैं वो जो है रूलिंग पार्टी बना, मतलब उनकी जो है वो रूलिंग पार्टी बनती है, वो मेजोरिटी प्राप्त करती है पार्टी और उसी की जो है गवर्नमेंट बनती है। अब ऐसी पार्टी जो इतना सीटें नहीं पाई है वो क्या करेंगी,
वो क्या करती है, कुछ रीजनल पार्टीज से मिलकर जो है उनकी सीटें ले लेती हैं। अब सीटें लेने के बाद क्या होगा कि वो जो एक नई गवर्नमेंट बनेगी वो कोलिएशन गवर्नमेंट कहलाएगी। मतलब अब एक सिंगल पार्टी नहीं है, जबकि दो चार पार्टियां मिलकर या एक पार्टी और मिलकर जो है एक नई सरकार बनाती है, तो ऐसी सरकार को कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो क्या हुआ कि रीजनल पार्टी जो है अब पावर में आ गई, कैसे, कोलिएशन गवर्नमेंट के बनने के बाद। फिर क्या होता है, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग चेक ऑन द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट इंक्रीज। अब क्या हुआ, जो रीजनल पार्टी, अब रीजनल पार्टी जो कभी कोई माने नहीं रखती थी आपके वन पार्टी डोमिनेंस के समय पे, लेकिन अब जो है वही पार्टी के पास भी पावर आ गई। अब स्टेट के पास भी अपनी पावर हो गई है, ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं थी। अब सब कुछ जो है फिर नॉर्मल तरीके से होने लगा कि सबके पास जो है पावर इक्वल हो गई है, अब आराम से गवर्नेंस जो है उसी ढंग से चलेगा। तो इस प्रकार से जो है सेंटर और स्टेट के बीच जो है रिलेशन व्याप्त हुआ। मतलब पहले क्या था, स्टार्टिंग वन पार्टी सिस्टम थी, उसमें जो है रीजनल पार्टीज को कोई मतलब वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन क्योंकि वन पार्टी का सिस्टम था। लेकिन बाद में जाके जब उन्होंने देखा कि रीजनल पार्टीज जो है वो बढ़ने लगी, और जो मतलब कि इलेक्शन में पार्टियां जो है सिंगल पार्टी जो है नहीं जीत पा रही थी, वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, रीजनल पार्टी को मिला के कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाई गई। और कोलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद रीजनल पार्टीज को यानी कि स्टेट पार्टीज को भी उनका मतलब उनके हक का, या कह लीजिए उनके लिए जो है अब पावर्स उनको मिलने लगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे भारत में फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, जिसे हमने तीन स्तरों पे देखा, तीन स्तंभों पे देखा, तीन पॉइंट्स पे देखा। पहला क्या था हमारा, हमने देखा लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे, लॉन्ग लैंग्वेज पॉलिसी के बेसिस पे, और तीसरा हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बेसिस पे। तो इतना इसमें। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम अपने लेसन के कुछ और अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जैसे हमारा डिसेंट्रलाइजेशन बाकी है, अभी हमारा पंचायती राज है, लोकल जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।